हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद। सो बात करते हैं ओरेकल मैसेज की। और मैं ट्वेल्थ आज है तो 12th से लेकर 17th तक की वीडियो बना रही हूँ। और लेट्स सी कि व्हाट इज द ओरेकल मैसेज फॉर 12th टू 17th, हाउ विल द एनर्जी बी। एंड इफ यू नॉट वॉच द पार्ट 1 एंड 2, प्लीज वॉच इट। द एनर्जीज आर वेरी वेरी पावरफुल। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर 12th टू 17th अप्रैल। What is going to happen? What are we going to experience? And मैंने गीता काट दिया है यहाँ पे 12th to 17th। What are we going to experience? Okay. I have one card. I'm just pulling one more. 12th to 17th. What is the energy? 12th to 17th of April. What are we going to experience? 17th of April, what are we going to experience? No. So I think the cards, basically the guides are saying that this one is enough. It will cover everything. So you can, if you want, you can read chapter 9 verse 2. और ये जो card है ये बोलता है, this knowledge is the king of education. Undoubtedly this is complete. The rarest of all secrets and the purest knowledge, because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is eternal and joyfully performed. Beautiful energy है। और ये जो energy है यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे कृष्ण और राधा, आपको कृष्ण और राधा हैं या राज विद्या राज गुरुम पवित्र पवित्र धर्म सुखम सुरम। ओके, सो मुझे ये मुझे क्यों ये कृष्ण और राधा की एनर्जी नहीं लग रही है, I don't know, but anyways, so basically this is secrets of secrets. सारे जो छुपे हुए राज हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, सारी जो छुपी हुई चीजें हैं वो सब बाहर आ जाएंगी, सारी जो छुपी हुई एनर्जीज हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। जो भी आपसे छुपा हुआ है आज तक, वो सब जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आप उसको सब कुछ को समझना शुरू हो जाओगे। और ये कार्ड बोलता है कि ये नॉलेज जो है सब कुछ समझने की, ये सारे नॉलेजेस की का राजा है। बेसिकली ये सब सीक्रेट्स में से सबसे रियल सीक्रेट, रियर सीक्रेट है, सबसे प्योरेस्ट नॉलेज है। ये आपको डायरेक्ट परसेप्शन देगा, सेल्फ रियलाइजेशन देगा। ये परफेक्शन है रिलीजन की और बहुत जॉयफुली परफॉर्म किया जाता है। सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, मैं ये बोलूंगी कि ये वर्स जरूर आप पढ़ें। चैप्टर 9 चैप्टर है, वर्स 2 है, जरूर पढ़ें, बिकॉज आई एम श्योर इट इज गोइंग टू गिव यू एन इनसाइट ऑन ये क्या है। मैं भी पढ़ूंगी इनसाइट ऑन कि क्या होने वाला है इस हफ्ते में और कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। दूसरा मैसेज जो है वो मैं कृष्णा कार्ड से निकालूंगी और सुशांत का मैसेज एनर्जी ओरेकल से। सो लेट्स सी कृष्ण इस हफ्ते के लिए क्या बोलते हैं। और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो भी हम कल्कि की बात करते हैं। तो इस हफ्ते के लिए 12 से लेके 17 अप्रैल तक, 12th to 17th अप्रैल, कल्कि या कृष्ण जो है वो क्या मैसेज देते हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम कृष्ण और कल्कि 12th to 17th? What is your message? Okay, let's see what we got. Let your inner beauty shine. Beautiful. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. ये कहीं ना कहीं अपनी soul के साथ connect करने की energy है. That is the energy जहाँ पे आप अपनी soul को पहचानोगे. ये हफ्ता जो है ये अपने आप को पहचानने का, अपनी इनर एनर्जी को पहचानने का, अपने ट्रूथ को पहचानने का, अपने एक्चुअल सेल्फ को पहचानने का है। और ये जो है, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, सामने ही है। ये जो कार्ड है ये बोलता है कि जब कृष्ण जो है मथुरा में आए थे, लोग उनके रेडियंस से बिल्कुल अंधे हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम सब तरफ जो है वो शाइन कर रहे थे और उन्होंने उनको प्रिंस बोला था, सेवियर बोला था, और सब तरफ लोग जो है उनको देखने के लिए गए थे। तो खुबजा जो है वो दूर रहे कृष्ण से और अपने अपने हार्ट की जो वॉर्म्थ थी और अच्छाई थी वो डेफिनेटली कृष्ण तक पहुंची। वो डर रही थी कि वो अगली हैं, वो देखने में सुंदर नहीं है और कृष्ण पे कोई बुरा इफेक्ट कर लेंगी, या हेट्रेड आएगी उनको, या डिजेक्शन आएगी, क्योंकि दूसरे लोग जो है उनको इस नजर से देखेंगे, क्योंकि उसको हंचबैक था एंड उनको त्रिवारका बोला जाता था। तो हंचबैक मतलब पीठ पे जो एक गोला बन जाता है ना, तो वो था। और
डिस्टॉर्टेड थी, दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी और वो बिल्कुल दूर से उनको देख रही थी क्योंकि उनकी बॉडी बहुत डिस्कम्फर्ट में थी और वो ऐसा उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरी दिख रही हैं, बहुत ऑकवर्ड थी, मिस हैपन सोच रही थी, उनके बाल जो हैं ड्राई थे, उनकी स्किन डार्क थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उनकी बॉडी में जो बहुत अलग तरह की थी, लेकिन वो सैंडलवुड पेस्ट जो है वो लेकर आई थी, मतलब चंदन जो है वो लेकर आई थी कृष्ण के लिए, और कृष्ण जो है उन्होंने खुद भीड़ को दूर किया और उनको बुलाया और वो पेस्ट जो है उनसे लगवाया, और कुंजा जो है उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे, मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ राइट, लेकिन कृष्ण जो बोले, कृष्ण का जो टच था, उन्होंने उनकी सारी पेन जो है, सारी तकलीफ जो है वो दूर कर दी और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत वुमेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। सो एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन राइट, अपनी इनर ब्यूटी, तो जहां जहां जो जो दिखने में जैसे भी हो, हमने उनको जैसे भी समझा हो, बहुत लोगों की एक्चुअल ट्रुथ जो है वो सामने आने वाला है। इस तरह से मैं इस एनर्जी को देख सकती हूँ। लेट्स सी सुशांत का क्या मैसेज है फॉर दिस वीक, फॉर अप्रैल। ओके, एक कार्ड तो आ गया से। ओके सुशांत, व्हाट यू वांट टू से फॉर 12th अप्रैल टू 17th अप्रैल, व्हाट इज योर मैसेज, व्हाट शुड वी नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू सी एनी प्रोग्रेस। ओके, तो कार्ड जो है वो एक्चुअली जंप कर गया है, तो मुझे एक मिनट दीजिए, उठा लूँ उसको। ओके, सो दो कार्ड्स आए हैं राइट, और दोनों कार्ड्स एक साथ बहुत अच्छा मीनिंग दे रहे हैं। कॉर्नुकोपिया का कार्ड जो है अबंडेंस का कार्ड होता है, नंबर 11 है और 5+2=7 भी है, और ये है योर अटैचमेंट्स आर टाइंग यू ऑफ राइट, और आप अपना एक मास्क जो है उसको पहन के हो क्योंकि आपने अपने अटैचमेंट से आपको अपने आप को बांध के रखा है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी ट्रू अबंडेंस, तो आपको अपनी अटैचमेंट की एनर्जी से, बंधी हुई एनर्जी से, जहाँ पे भी आप स्टक हो उस एनर्जी से बाहर निकलना है। और ये हफ्ता, मैंने फिर से बोला, ये हफ्ता जो है सेक्रीफाइसेस का है, ये हफ्ता जो है रियलिटी चेक का है, और अगर आप वो सेक्रीफाइसेस समझते हो, अगर उन अटैचमेंट्स को आप छोड़ पाते हो, तो आपको एक्चुअल नया किंगडम आपका, एक नई एनर्जी आपकी, एक नई बिगिनिंग आपकी जो है वो मिल जाएगी, एंड योर वर्ल्ड विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड, एंड दैट्स व्हाट सुशांत इज सेइंग टू। बहुत सारे, मैं अगर लिटरली इसको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिलेटेड जो चल रहा है अभी, उसमें और बहुत बड़े बड़े मास्क जो हैं उतरने वाले हैं, और कुछ बहुत सिग्निफिकेंट अरेस्ट जो हैं वो हो सकते हैं इस वीक के अंदर। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म। स्टार इन द ट्री इन द स्टार, एनर्जी ऑफ ग्राउंडिंग, एनर्जी ऑफ पावर, एनर्जी ऑफ न्यू लाइफ, एनर्जी ऑफ द लाइट, रोशनी की एनर्जी, पावर की एनर्जी, नई लाइट की एनर्जी और ग्राउंडिंग की एनर्जी। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपनी लाइट को शाइन करने लीजिए। ओके, लेट योर लाइट शाइन। सेकेंड अगेन फ्लावर है, और दिस इज अगेन एनर्जी ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, पावर, अथॉरिटी एंड ग्रोथ। एंड लास्ट ट्री, द ट्री दैट हैज कम आउटसाइड द स्टार राइट, ये बुश की एनर्जी भी है, झाड़ी, और झाड़ियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं और कहीं बहुत स्ट्रांग भी होती है, जितना मर्जी आप उनको काटो फिर बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं राइट। सो यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन मल्टीपल आस्पेक्ट्स में बहुत सारी ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। एंड देन यू सी अ गन का मतलब होता है निशाना, क्योंकि जो गोली है वो निशाना करके मारी जाती है, गोली जो है वो मारी जाती है, तो जिसको मारी जाती है वो मर भी जाता है चोट, और ये पुलिस या डिफेंस उसको भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं एक्शन की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है इस महीने, और एक्शन जो बहुत टाइम से रिक्वायर्ड था, और एक्शन जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, एंड आई विल सी यू, आई थिंक मैं कल अगले हफ्ते की वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।